इनको भी मशवरे दिए जा रहे थे कि जी आप असेंबलियां तहलील कर दें, हम इंतखाबात करवा देंगे। नेचुरली एक बयानिया जो इमरान खान साहब भी लेके गए, और ऑल्दो के परवेज इलाही साहब उनको मशवरे दे रहे थे कि असेंबलियां तहलील ना करें, वो खुद भी वल्नरेबल हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये उनकी एक सियासी इलाही साहब को पता था कि इलेक्शन उस दिन होने हैं जिस दिन इलेक्शन की डेट आएगी। अब ये तो कोई बात नहीं कि आप दो असेंबली अगर आपकी गवर्नमेंट है, ये मैंने पहला इतना बड़ा एक विजनरी लीडर देखा है जिसने अपनी दो हुकूमतें खुद खत्म कर ली और अब हो रहा है, अब उसको जमान पार्क से बाहर नहीं निकलने है, वो निकलने हो रहा उसे, वो अब एक अजीबो गरीब समाशे में रोज आके टीवी पे बैठ जाता है, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, अब मुझे आज ये कर लेंगे, भागो आओ बचाओ, व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स? ये हमदर्दी आपको मुल्क के साथ, ये आप मुझे बताए ना, 3.5-4 साल आपने क्या किया, क्या किया आपने मुझे ये बताए। मैंने बारहा चौधरी साहब को मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि जी इधर गुजारा नहीं होता, ये सिवाय झूठ पे और एक सिवाय अपॉर्चुनिज्म है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट आदमी मैंने नहीं जिंदगी में देखा जिसका नाम इमरान खान है कि, लेकिन चौधरी साहब बजट थे, उन्होंने कहा नहीं आपने यही रहना है। सर ये हाल ही में आपने चौधरी साहब से आपकी गुफ्तगू हुई है? नहीं जी, मेरी जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर बने हैं मुझे उनका आखिरी कॉल आई थी कि मेरा ओथ है और आपने आना है, ये उनकी आखिरी टेलीफोन कॉल थी, उसके बाद मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। सर उसके बाद पार्टी में किसी ने फिर रब्ता करने की कोशिश नहीं की गई या उनको मनाने की कोशिश की गई हो? नहीं देखे ना, मनाने की कोशिश तो सर मतलब एक कुछ भी हो जाए, 10 अगर वो अपने साथी समेत अपने बेटों के साथ वो अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो एक्सेप्टेड और नॉट, बट धचका तो है पार्टी के लिए आपकी? धचका बिल्कुल होता है जी, धचका तो एक आम से वर्कर का भी होता है अली ना, इसमें कोई शक नहीं है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि पार्टी प्रेसिडेंट की पॉलिसीज को फॉलो करने की बजाय आप एक शॉर्टकट ढूंढो। मुझे ये बताए, फैमिली डिवाइड हुई, पार्टी डिवाइड हुई, पॉलिटिक्स डिवाइड हुई, एक तमाशा बना, और मुझे नहीं समझ लगी कि इसमें, मेरे ख्याल में सिर्फ एक साहब की ख्वाहिश थी, एक साहब की ये सारी स्ट्रगल थी, उन्होंने झूठ सच इधर उधर करके, और पता नहीं उनको क्या फायदा हासिल हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं? नहीं मैं तो PMLQ की बात कर रहा हूँ ना जी, ये जो फैक्शन वहां पर गया था इनके साथ किस्सा जी जी, तो किसी न किसी टारगेट को अचीव करने के लिए गया होगा ना, पता नहीं वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ, वो अब अल्लाह को पता है, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, बट इसमें कोई शक नहीं कि धचके वाली बात होती है, लेकिन ये कोई बात नहीं कि काफ लीग जम होगी भी, काफ लीग कैसे, कल को मैं मतलब सिंध का एक प्रेसिडेंट है, बलूचिस्तान का है, AJK का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, KPK का है, एक चैप्टर पार्टी का कैसे पार्टी जम कर सकता है?